कथा भाग्य बदल देती है। पूछे कैसे? हाँ, चलो आपका उत्तर दूं, उससे पहले मैं आपसे पूछूं, भाग्य क्या है? वाह, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा। ये भैया कहीं भी पहुंच जाते कथा में, हमारे होटल भी आते, वहां भी कथा सुनते, सात सात दिन बैठ करके ऐसे ही सुनते हैं, गाते गाते, नाचते नाचते, झूमते झूमते। तो भाग्य, अक्सर भाग्य पर बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं, भाग्य बदलने के बड़े बड़े प्रयास होते हैं, किस्मत बदलने के बड़ी बड़ी कोशिशें होती हैं। मंत्रोच्चारण करवाओ, पाठ करवाओ, ये करवाओ, ये क्या है कि हमारी किस्मत बदल जाए, भाग्य बदल जाए। पर भाग्य है क्या? हमें ऐसे ही किसी ने समझा दिया, कह दिया कि जब बच्चा, पता नहीं आपके हम मानते नहीं मानते, हमारे उस तरफ ब्रज की तरफ तो मानते हैं कि जब बच्चा 6 दिन का होता है, जब उसकी छठी पूजी जाती है, तो एक मैया आती है, विधाता मैया, पता नहीं उसके अलग अलग नाम है सबके, तो वो आके फिर भाग्य लिखती है, जैसा भाग्य लिखती है तो जीव का वैसा भाग्य बन जाता है। अरे उस देवी को इतनी फुर्सत है कि आके तुम्हारा भाग्य लिखेगी? तुमको फुर्सत नहीं कथा में जाने तक की, और देवी देवता इतने खाली हैं कि यहां तहां बस आते रहेंगे? नहीं, भाग्य लिखने वाला कोई और नहीं है, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, यही हम चूक जाते हैं, हमें लगता है हमारा भाग्य कोई और लिखता है। भाग्य लिखने वाला कोई नहीं, केवल एक प्राणी है जो आपका भाग्य लिख सकता है। कौन? हाँ जी, हाँ, आपका भाग्य आपके अलावा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं लिख सकता। भगवान भी इस पचड़े में नहीं पड़ते। हाँ, कोई भक्त होगा उसके लिए तो भगवान कुछ भी कर देंगे, भाग्य बदलना हो, दिन बदल, वो तो अलग भविष्य है, पर साधारण जन के लिए तो भगवान ने हमें एक बुद्धि दे के कह दिया, नाउ यू डिसाइड योर लक, अब अपना भाग्य तुम निर्माण करो, अब इसमें हमारा बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई इंटरफेरेंस भगवान नहीं करते, तुम निर्णय करो तुमको कैसा भाग्य चाहिए। तो भाग्य का मतलब है कर्मों का रिजल्ट, कर्मों का परिणाम होता है भाग्य। तो अगर आपको भाग्य बदलने, मैं ये प्रवचन नहीं कर रही, आपके आपसे प्रश्न कर रही हूं, मुझे लगता है जो मैं बोलूंगी उससे आप खुद ही समझ जाओगे, कहीं भागना नहीं है, किसी से पूछना नहीं। अगर कर्मों का रिजल्ट है भाग्य, किस्मत, तो अगर आप अपनी किस्मत बदलनी है, अगर आप अपना भाग्य बदलना है, तो क्या बदलना पड़ेगा? कर्म बदलना पड़ेगा, सीधी सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर भाग्य बदलने हैं, भाग्य अच्छा करना है, तो कर्म अच्छे कर लो, भाग्य बुरा करना है तो कर्म बुरे कर लो, जैसे जैसे कर्म वैसा वैसा भाग्य बनता जा रहा, निर्माण होता जा रहा। अब यानी सारी बात जो घुमा फिरा के आई, वो आई हमारे कर्मों पे, कर्म अच्छे हैं तो सब अच्छा है, और कर्म अच्छे नहीं है तो यहाँ तहाँ कितना भी हाथ दिखवा लो, कितना भी भविष्य बदलवाने की कोशिश कर लो। देखो भैया, मैंने कहा ना अभी शुरू में ही कह दिया, इस व्यासपीठ पे बैठ करके वैसे तो प्रयास यही रहता शास्त्रीय बात हो, पर कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो हो सकता है सब लोग उससे सहमत ना हो, सबका अपना व्यक्तिगत स्वतंत्र विचार है, मानना न मानना आपकी मर्जी है, पर मैंने जो संत महापुरुषों के चरणों में बैठ के सीखा है वो यही सीखा है कि बस कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म अच्छा करते चलो, फिर दुनिया में किसी से डरने की जरूरत नहीं,